प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेसफल प्रमेय की, क्योंकि बच्चों सेसफल प्रमेय के द्वारा ही एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व करने से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम या सेसफल प्रमेय को पढ़ेंगे। तो मैं आपको आज बिल्कुल भी बेसिक से यहाँ पर सेसफल प्रमेय पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं बच्चों। सेसफल प्रमेय जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बेटा एक नंबर ले लिया हमने, लाइक दैट हमने ले लिया 15, और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है बेटा, तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 12 आएगा। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये 3 छोटा है इसलिए अब डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो अगर आप इसको जमा के लिखोगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये नियम क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, कुछ ऐसे ही रूल होता है। तो आप बच्चे यहाँ पर क्या करोगे, डिविडेंट क्या है, कितना है, जिसमें भाग दिया 15, आपने किससे डिवाइड किया, डिविजर 6 से, क्वोशेंट कितना बेटा, कितने टाइम दिया, 2 टाइम, और रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है आपके पास 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें यदि कि कोई 15 है उसमें मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 से डिवाइड किया तो बेटा गया 5 टाइम और पूरा आ गया 15 और रिमाइंडर आया 0। अगर मैं इसको यहाँ अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वेलेंट टू 3 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, ये रिमाइंडर है, यहाँ पर ये रिमाइंडर है, ठीक है, आपको ये नोटिस करना है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचा था, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर को ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये जो 15 है, ये जो 15 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 15 या 15 जो है 3 का मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, मतलब 3 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। और ये 3 और 5 दोनों जो क्या है, 15 के फैक्टर हैं, ठीक है। 3 और 5 15 के फैक्टर हैं, यानी कि 15 के गुणनखंड क्या है, 3 और 5, और 3 का गुणज कौन है, 15, 5 का गुणज कौन है, 15, मतलब 5 के पहाड़े में 15 आएगा, ठीक है। 5 की टेबल में 15 आएगा, मतलब 5 का मल्टीपल है 15, 3 का मल्टीपल है 15, इतना क्लियर हो रहा है आपको? ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो अंकों में था। यदि मैं आपको वेरिएबल में बताऊँ, जैसे मेरे पास एक कोई पॉलीनोमियल है एक्स क्यू या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है बेटा, मेरे को इसमें डिवाइड करना है एक्स से, ये तो अभी आपने देखा न्यूमेरिकल्स में था, डिजिट में था, अब मैं आपको अल्फाबेटिक में ले चलता हूँ। तो बेटा आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर ऐसा करोगे, एक्स क्यू को एक्स से डिवाइड करोगे, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे, फिर एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे। यहाँ पर एक आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे कि यदि ए की पावर एम है और ए की पावर एन है तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी 1.6 एक्सरसाइज में पढ़ी होगी, वही हम यहाँ पर यूज़ करें कि बेटा ये दोनों एक्स सेम है, यहाँ पर इनकी पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब 1 है, ठीक है। अगर इन दोनों की ये दोनों नंबर सेम है, भले ही पावर अलग अलग है, ठीक है, अगर ये दोनों नंबर सेम है और ये डिवाइड में, तो इनकी पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। और एक और आइडेंटिटी होती कि यदि ये नंबर सेम है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, यदि ये नंबर सेम है और यदि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो पावर होती है बेटा वो यहाँ पर एड हो जाती है, ठीक है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं देखो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 1 प्लस x की पावर 2 माइनस 1 प्लस x की पावर यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ तो ये देखो ये हो जाएगा x की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कम्प्लीट डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं आया, मतलब एक्स की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 0, क्योंकि ये कम्प्लीट डिवाइड हो गया। अब रिमाइंडर किस सिचुएशन में बच जाता है, वो सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ बेटा। यदि मैं ऐसा यहाँ पर लिख दूँ 1 पहले से ही, तो आप डिवाइड करके क्या लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, एक्स क्यू को आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को भी एक्स से डिवाइड करोगे और प्लस 1 को भी एक्स से करोगे। तो बेटा ये तो हो जाएगा एक्स की पावर 1 मतलब एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स था, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1, और ये 1 बाय एक्स ही रहेगा, यानी कि 1 जो है यहाँ पर रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, क्यों, क्योंकि 1 पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो
रिमाइंडर बच जाता है उसको हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। अगर हम इसको अरेंज करके लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास डिविडेंड रहता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपने डिवाइड किससे किया, एक्स से डिवाइड किया, तो आंसर आपका कितना आएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ क्यू ऑफ एक्स लिखोगे और रिमाइंडर आपका कितना बचा, रिमाइंडर यहाँ पर वन बचा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप अरेंज करके लिखोगे। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल में डिवाइड करना सीखा, उसके बाद हम पॉलीनोमियल्स में आए और वहाँ पर हमने डिवाइड सीखा। अब मैं आपको इससे थोड़ा और लेटेस्ट ले चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे की। तो बेटा हमारे पास है कोई पॉलीनोमियल है, लेट अस अज्यूम दैट मैंने एक पॉलीनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, और बेटा मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिवीजन प्रोसेस ये आप पहली बार देख रहे हो, अच्छे से बता दूंगा आपको समझ आ जाएगी, इसको हम डिवीजन प्रोसेस बोलते हैं। क्लास टेंथ में इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किससे डिवाइड कर रहे हो आप, एक्स माइनस वन से। ठीक है, तो बेटा डिवाइड करने के लिए जिसमें डिवाइड कर रहे उसका फर्स्ट टर्म देखो और जिससे डिवाइड कर रहे उसका फर्स्ट टर्म देखो, देख लिया। अब क्या करो, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, यह आएगा एक्स की पावर वन। इसको लिखेंगे ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक्स इंटू जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके साथ करो। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर एड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स बन जाए वापस क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन प्लस वन टू माइनस एक्स, तो एक्स की पावर टू और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स। अब इसको करेंगे हम माइनस, क्योंकि डिवाइड में हर बार माइनस करते तो ये माइनस होगा और माइनस में माइनस ये हो जाएगा प्लस। कैसे ये चिन्ह कैसे बदल रहा है जब आप ऐसे करते हो, फाइव माइनस माइनस का टू, तो बेटा क्या होता है फाइव प्लस टू हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे ही, ये पहले माइनस था तब ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस, ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर वन है तो फाइव में से वन जाएगा तो कितना आएगा फोर, और साथ में क्या आएगा, सॉरी मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर साइन देखो कितना है प्लस है, यहाँ पर साइन देखो कितना है प्लस है, तो प्लस और प्लस तो एट हो जाएंगे, तो फाइव और वन कितना हो जाएगा सिक्स एक्स। ठीक है, ग्यारह सिक्स एक्स प्लस सिक्स। अब बेटा यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की पावर वन है और यहाँ पर भी एक्स की पावर वन है, मतलब अभी भी डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होना बंद कब होगा, जब यहाँ पर पावर छोटी आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर पावर बड़ी होगी। तो अभी और सोल्व करते हैं इसको, फर्स्ट टर्म यहाँ पर अब बन गया सिक्स एक्स, उसको फिर यही फर्स्ट टर्म एक्स से डिवाइड कर आपने आया सिक्स, आपने आंसर लिखा प्लस का सिक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, बहुत आसान है, सिक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ बेटा हुआ सिक्स एक्स, प्लस माइनस माइनस सिक्स बन जा सिक्स माइनस का सिक्स। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस ये तो कैंसिल, ये दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा ट्वेल्व। अब यहाँ पर एक्स है ही नहीं, अगर है तो उसकी पावर होगी यहाँ पर जीरो, क्योंकि इसकी पावर जीरो, इसका वैल्यू होगा वन और ट्वेल्व बन जा वापस क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा। तो अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, क्या सर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा ये जो आपका डिविजर है उसकी पावर वन है और ये जो आपका रिमाइंडर आया उसकी पावर जीरो है। ठीक है, अब रिमाइंडर आ गया, इसकी पावर अगर जीरो, इसकी पावर अगर छोटी है तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को सिक्स में डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस वन से डिवाइड किया, कितने टाइम गया बेटा एक्स प्लस सिक्स टाइम गया। ठीक है, और क्या बच गया बेटा यहाँ पर ट्वेल्व बच गया। ठीक है, ट्वेल्व बच गया यानी कि ये है यहाँ पर शेषफल। ठीक है, इसको ध्यान रखना शेषफल, और इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका बच गया रिमाइंडर। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, अभी ये मैंने आपको भाग विधि बताई, अब इसका सब्स्टिट्यूशन, भाग विधि की जगह हम प्रयोग करेंगे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय को पढ़ाने से पहले उसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको शेषफल और भी अच्छे से समझ में आएगी शेषफल प्रमेय। ठीक है, एक कोई पॉलीनोमियल था p ऑफ x, क्या था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और आपको किससे डिवाइड करना था, x माइनस वन से डिवाइड करना था। अरे किससे डिवाइड करना था, x माइनस वन से, तो बेटा x माइनस वन से डिवाइड करने हैं, तो आप क्या करोगे, एक रियल नंबर यहाँ से ले लोगे प्लस वन, कैसे आया देखो, जिससे डिवाइड करना उसको जीरो के इक्वल में पुट करो तो क्या आएगा, ये माइनस का वन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह प्लस का वन पुट करना है, क्यों, क्योंकि आपने x माइनस वन से डिवाइड किया, तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन, तो x की जगह प्लस का वन पुट करो, वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, फाइव इन जा फाइव और ये सिक्स, ये हो जाएगा बेटा फाइव और वन सिक्स प्लस सिक्स, तो ग्यारह ट्वेल्व। तो देखो आपने पूरा डिवीजन प्रोसेस किया इतनी माता बच्ची की, और रिमाइंडर पता करने के लिए आपको सिर्फ रिमाइंडर पता करना था, यानी शेषफल पता करना था,
तो शेषफल पता करने के लिए आपने इतना डिवीजन किया और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया ये तरीका है शेषफल प्रमेय का। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको जानने के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया। तो हम शेषफल प्रमेय को जानते हैं, ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या होती है। मैं आपके सामने बोर्ड पर एक रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री विल बी आर ऑफ एक्स, ठीक है। यदि हिंदी में हम शेषफल प्रमेय लिखें तो बेटा हिंदी में मैं शेषफल प्रमेय यहाँ पर लिख रहा हूँ, माना कि p ऑफ x कोई एक इंग्लिश दोनों में मैंने आपको स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो उससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने माना कि p ऑफ x कोई पॉलीनोमियल है, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी घात की डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। क्या सर ये समझ में नहीं आया? तो बेटा हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तब आपको बताया था 2.1 एक्सरसाइज में कि डिग्री किसको बोलते हैं। जैसे मैं पॉलीनोमियल लिखता हूँ x प्लस 1, यहाँ पर वेरिएबल x की पावर 1 मैक्सिमम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोलूँगा कि इसकी डिग्री अगर देखेंगे तो इसकी डिग्री जो है वो 1 है। अगर मैं x की घाट 2 प्लस इस टाइप से कुछ ले लूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 और 2 में मैक्सिमम कौन है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। अगर मैं ऐसा ले लूँ क्यूबिक इक्वेशन, तो आपको समझ में आ रहा है ये मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री बेटा कितनी होगी 3, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से हम डिग्री को समझेंगे कि डिग्री या घात क्या होती है। अब आपने इतना समझ लिया कि कोई भी पॉलीनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, जो लिखा इनमें से कोई भी पॉलीनोमियल हो सकता है या और भी कोई हो सकता है। एंड लेट स्मॉल ए बी एनी रियल नंबर, और ये क्या है स्मॉल ए, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ए अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फाइनेट से लगाकर प्लस इन्फाइनेट तक कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इधर से अगर हम देखें माइनस का 1, माइनस का 7, माइनस का 6, कुछ भी ले सकते हो आप, प्लस में लेना चाहो तो 3, 4, 2। रियल नंबर पढ़ा चुका हूँ मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में, नंबर सिस्टम में वहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप। तो ये कोई भी नंबर था, ठीक है। अब इस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस है, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो बेटा आपने 3 लिया तो आप किससे डिवाइड करोगे, एक्स माइनस 3 से। आपने यहाँ पे 4 लिया तो आप डिवाइड करोगे x माइनस 4 से। आपने 2 लिया तो आप डिवाइड करोगे x माइनस 2 से। यदि आपने a को माना माइनस 1 तो आपको डिवाइड में ऐसा आएगा x प्लस a आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 7 और x प्लस 6 से। तो यदि इनमें से कोई सी भी वास्तविक संख्या आपने चयन की तो आप इन जो निम्नलिखित बहुपद है इनसे भाग दोगे, किसमें, जो पहले आपने बहुपद माना था उसमें भाग दोगे, तो आपको पता है शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी, सॉरी यहाँ पर लिखना था रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, विल बी पी ऑफ ए होगा बेटा, ठीक है, पी ऑफ ए। क्या सर ये क्या होगा, यानी कि आपका पॉलीनोमियल कुछ एक्स में गिवन है, कुछ इस टाइप से होगा, मैं एक सपोज करके लिख रहा हूँ। यदि आपका पॉलीनोमियल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेटा पुट करना है ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब इनमें से जो भी आपने वैल्यू लेट किया, जैसे आपने अगर 4 लेट किया तो यहाँ 4 लेट करो, और ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 यानी कि कितना आ रहा 64, ये कितना आ रहा 16, ये कितना आ रहा 4 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 80 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 85। बात समझ में आ रही, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा 85 आएगा। तो ये आपकी जो है रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा अब यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए इसका सॉल्यूशन या प्रूफ लिखें, प्रूफ लेट स्मॉल ए बी लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलीनोमियल बी देन कोशेंट विल बी क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर विल बी आर ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। इसी चीज़ को मैं यदि हिंदी में यहाँ पर लिखूँ तो हिंदी में यदि इसको इसका सॉल्यूशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, माना इसकी उपपत्ति या इसके प्रूफ में, ठीक है, उपपत्ति। अगर हम इसकी उपपत्ति लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि
पी ऑफ एक्स कोई एक के बराबर तथा शेष फल आर ऑफ एक्स होगा। हमने ऐसा लेट कर लिया, ऐसा एस्यूम कर लिया कि कोई भी पॉलीनोमियल जो हम लेट कर रहे जो मानेंगे उसमें यदि हम एक्स माइनस ए से यदि डिवाइड कर दे बेटा, ठीक है, तो इस x माइनस ए से डिवाइड कर दे तो कोशेंट क्यू ऑफ एक्स आएगा, यानी कि जो भी आया उसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलेंगे, और रिमाइंडर जो शेषफल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो सिंस डिग्री ऑफ x माइनस ए इज वन, इसका मतलब हो रहा है चूंकि घात किसकी घात x माइनस ए की एक है। कैसे सर? बेटा यहाँ पर वेरिएबल एक ही x, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो गई 1, और हम ये जानते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं ना उसकी डिग्री ज़्यादा होती है जो शेषफल बचता है उससे, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा क्या हुआ कि जो शेषफल होगा उसकी घात कम होगी, किससे, जिससे हम भाग दे रहे, तो इसी से तो भाग दे रहे हैं, x माइनस ए से तो भाग दे रहे हैं, ठीक है। सो सिंस डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 एंड डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी कि आर ऑफ एक्स मतलब क्या है, शेषफल या रिमाइंडर, इज लेस देन 1। अब इस 1 से छोटी होगी, ठीक है, इट मीन्स दैट क्या होगी, दिस मीन्स दैट या इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है। अब एक से छोटा नंबर क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। यदि घात 3 है तो 3 से छोटा हम बोल सकते हैं कि 2 1 या 0 में से कुछ भी होगा। यदि घात 2 है तो उससे छोटा क्या बोलेंगे, 1 0। अगर 1 ही है तो उससे छोटा क्या बोलेंगे, 0। यानी कि जो शेषफल बचेगा उसकी घात क्या होगी, 0। और आपको मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि घात 0 किसकी होती है, नियतांक की। इसका मतलब जो शेषफल बचेगा वो कोई नियतांक होगा, कोई एक अंक होगा, ठीक है बेटा। उस अंक की घात यहाँ पर क्या होगी, 0। क्या सर नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं कोई अंक लेता हूँ 4, इसके साथ इसकी घात पूछूंगा तो आप बताओगे 0। कैसे? क्योंकि इसके साथ एक से और इसकी घात क्या है, 0। क्योंकि किसी घात 0 उसका मान 1 होता है, उसका मल्टीप्लाई करने पे वापस वो नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो शेषफल आएगा उसकी घात क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर x का कुछ भी मान रखा करो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसकी घात जो है वो क्या आएगी, शेषफल ही आएगी, ठीक है। x का कोई सा भी मान रखा करो, रिमाइंडर क्या आएगा, वही नियतांक आएगा जो आ रहा है आपके पास, ठीक है। इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर एंड आर ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो शेषफल है वो एक कोई भी नियतांक होगा जिसको हम से आर, जिसको हम आर मान लेंगे, ठीक है। आपका जो शेषफल बच रहा है बेटा वो कोई नियतांक होगा, जिसको मैंने क्या है, क्या लिखा है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो जिसको हमने क्या मान लिया, कोई नियतांक या आर मान लिया, ठीक है। अब बेटा आपने सबसे पहले क्या किया था, कोई पॉलीनोमियल लेट किया था, तो चलो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू आर, यानी कि x का कुछ भी मान रखा करो, r जो है शेषफल जो है वही आएगा, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं बेटा। अगर इसके साथ x होता तो ये चेंज होता। के सर ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको इधर समझाता हूँ, एक मिनट इधर देखें। जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x प्लस 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे, p ऑफ 1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यदि ऐसा होगा p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ x की जगह 1 रखो तब भी 2 आएगा, 2 रखो तब भी 2 आएगा, 3 रखो तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, x के किसी भी मान के लिए आर एक्स तो आर ही आएगा, यानी जो आपका शेषफल है वो क्या आएगा, कोई भी नियतांक आएगा वही नियतांक आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि आपके पास कोई पॉलीनोमियल था डिविडेंड, उसको वो आपने डिवाइड किया x माइनस a से, कितने टाइम गया जो आंसर आया q ऑफ x, और रिमाइंडर क्या बच रहा बेटा आपके पास, r, ठीक है। आप फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a, मैं यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू ले रहा हूँ, पर्टिकुलर वैल्यू p ऑफ a, यानी कि मैंने इस x की प्लेस पर बेटा a पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, a, तो ये x की जगह a आ जाएगा, a माइनस a इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर,
तो बेटा ए में से जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई इस यहाँ तक होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस आर, जीरो प्लस आर, इसका मतलब आपके पास क्या बचा, स्मॉल आर बचा, ठीक है। इसका मतलब पी ऑफ ए क्या आया, पी ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट आया, आर के। सो हैंस प्रूव, यही बेटा हमको प्रूव करना था कि आप जब पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करोगे, एक्स माइनस ए से, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या आया, एग्जैक्टली। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, आपने सॉल्यूशन इसका लिख लिया है, अब सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि x माइनस ए की घात एक है तथा शेषफल r ऑफ x होगी, क्योंकि बेटा अगर एक से कम होगी तो एक से छोटा क्या होता है, जीरो, तो आप क्या लिखोगे, शून्य लिखोगे, ठीक है। विच इंप्लाइज r ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू r, ठीक है। तो माना कि r कोई नियतांक है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो x के किसी भी मान के लिए, x का कोई सा भी मान ले लो बेटा, r ऑफ x जो है वो हमेशा r ही आएगा, क्यों r आएगा, क्योंकि नियतांक है ना ये, अगर इसको मान लिया नियतांक, तो नियतांक को इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी मैंने एग्जांपल से आपको क्लियर किया था, ठीक है। तो चूंकि आपके पास कोई पॉलीनोमियल था, यानी डिविडेंड आपका भाज्य था, आपने भाग दिया था x माइनस ए से, कितनी बार गया था, क्यू ऑफ x के बार, और शेषफल तो आपका नियतांक है r, वही आ रहा है। तो आप यदि किसी विशेष मान a के लिए, आप विशेष मान a क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि ए कोई वास्तविक संख्या है, तो हम यहाँ ए ही रख रहे हैं, ठीक है। तो p ऑफ a जहाँ पर x है वहाँ a आएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू ऑफ x प्लस r, ठीक है बेटा। तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा q ऑफ x प्लस r से, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस r, तो फाइनली क्या आएगा, r। इसका मतलब कि आपके पास p ऑफ a जो आ गया वो स्मॉल r आ गया, ठीक है बेटा, p ऑफ a क्या आ गया, स्मॉल r। और यही तो आपको बताना था कि आप जो शेषफल आएगा, यानी कि स्मॉल r जो है वो क्या है, p ऑफ a होगा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है बेटा। तो ये हो गई हमारी शेषफल प्रमेय। अब बेटा शेषफल प्रमेय जो है, इसी की सहायता से हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं। तो बेटा आई थिंक शेषफल प्रमेय का इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल डीवीके मैथ्स क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।